नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो पहले से 108 रुपए अधिक मिलते, वह धन क्या है? ठीक है, उसने कहा है कि कोई भी धन है 2 वर्ष के लिए दिया गया। ठीक है, अब 2 वर्ष के लिए दिया गया तो अगर आप कह रहा है कि जो रेट से हमने पहले दिया था उससे अगर हम 3% अधिक देते तो हमें 108 रुपए ज्यादा मिलते। तो अब बताइए कि वह धन क्या दिया था। ठीक है, तो हम इसको 2 कंडीशन में लगाएंगे। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि जिस रेट पे उसने उसको दिया 2 साल के लिए दिया तो इतना ब्याज मिलता। ठीक है, दूसरा ब्याज क्या होगा, मूलधन तो वही रहेगा, रेट में 3% की वृद्धि हो जाएगी और समय वही रहेगा, ये ब्याज है। इन दोनों ब्याजों को जब घटा देंगे तो 108 के बराबर आएगा। ठीक है, ए था पहले रेट पर ब्याज और ए है 3% अधिक रेट पर ब्याज, इसमें से ये घटा देंगे 108 रुपए के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 100 एलसीएम आएगा, यहाँ 2p का गुणा करेंगे तो पहले तो 2p गुणा r आएगा, फिर 2 × 3 = 6, 6p आएगा, यहाँ माइनस 2 pr हो जाएगा और बराबर 108 हो जाएगा। हमने इसका गुणा कर दिया क्योंकि यहाँ से 2 pr और 2 pr कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6p बराबर में 108 और नीचे का 100 गुणा में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो p बराबर क्या निकल के आएगा, 108 गुणा 100 भागे 6, 6 से काटेंगे 6 × 6 बचा 4 तो 8 × 6 = 48। तो P बराबर क्या निकल के आएगा, P बराबर निकल के आएगा 1800। ठीक है, तो राशि कितनी है, वह धन है 1800 रुपया। ए रेट कौन था, जिस रेट पर उसने दिया था, लेकिन उसने सोचा कि अगर 3% और अधिक पर देते तो हमें 108 रुपए का लाभ होता, तो हमने यहाँ पर R+3 कर दिया और सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इसको शॉर्ट मेथड से और लगाएंगे जो कि शॉर्ट विधि है। तो इसमें P बराबर क्या होता है, जो भी अधिक हुआ या कम हुआ वो ऊपर लिखेंगे, गुणा में 100 करेंगे, भागे रेट में घटा बढ़ी जो भी हुई, रेट बढ़ा 3% और गुणा टाइम, टाइम कितना था 2 वर्ष, इसको सॉल्व कर देंगे 108 गुणा 100 भागे 3 × 6, 6 से काटेंगे 6 × 6 और 8 × 6 = 48, तो P बराबर 1800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो वही विधि शॉर्ट विधि ये है, लॉन्ग विधि ये है, आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।